साथियों, आज मैं बताऊंगा 1/7/2020 को जब संत नगोर स्थित पे हम कई सैलून का हमने दौरा किया और मुझे कुछ लोग मिले जो रानीबाग क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि 100 रुपये के अंदर हम पहले ये COVID-19 17 मार्च 2020 से पहले कटिंग, शेव और शैम्पू करते थे ये शॉप वाले 100 रुपये के अंदर। और अब इनका ये हाल हो गया कि इन्होंने रेट पूरा 200 रुपये का कर दिया है। इनका ये कहना था कि एक तरफ तो हमारी कमाई भी लगभग 20% रह गई है और बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। पिछले 3 महीने से कहीं से किराया, मकान मालिक का ये कहना है कि उसको किराया नहीं मिला, लेबर का मजदूर का कहना है कि उनको मकान मालिक की सैलरी नहीं मिल पा रही, सिर्फ 20% सैलरी मिल रही है। सभी लोगों की कुछ ना कुछ परेशानी और शिकायतें हैं और उस तरीके से ये महंगाई का दर जो बढ़ रही है जिसके दुकानदारों ने ये रेट कर दिए। मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से जरूर दिशा निर्देश जारी करें, क्योंकि ऐसे समस्या दिल्ली की जनता की गंभीर होती जा रही है। अगर एक नाई की जो दुकान है, एक सैलून शॉप है जहाँ हर एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, उसको बाल कटवाने जरूरी हैं जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है, ऐसे में व्यक्ति क्या करे। और ये समस्या गंभीर होती जा रही है और मैं चाहूँगा दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश जारी करनी चाहिए इन सैलून शॉप्स के लिए कि फिक्स एक तो ये COVID-19 के नियमों का पालन करें, साथ ही इनको रेट भी फिक्स किए जाएं, ताकि जो है नहीं तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या जरूरी कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं। कुछ NGOs वगैरह की मदद ली जाए, कुछ सोशल वर्कर्स की मदद ली जाए, ताकि ये जो सैलून शॉप है ये 2 रुपये का शैम्पू नहीं लगता, एक शैम्पूइंग करने के अंदर 10-15 रुपये का इनका टोटल डिस्पोजल जो किट वगैरह का ये यूज़ कर रहे हैं। और साथियों मैं ये बताऊंगा कि 20 रुपये की भी कॉस्ट नहीं आती, 200 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ले और कई NGO समाज सुधारक और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं उनको मौका दे और वहाँ पे एक कमरे के अंदर ये सैलून शॉप का भी करें, क्योंकि ये एक समाज के लिए बहुत नेसेसरी हिस्सा है। अगर कोई कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट भी ये चाहती है कि वहाँ पे साफ सुथरा होकर शेविंग करा के वहाँ उपस्थित हो, कोर्ट की गरिमा होती है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई वो क्लीन रहे और कोविड में ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दिल्ली सरकार से ये आग्रह है और यहाँ शकुर बस्ती विधानसभा से हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जिनके पास 8 दिल्ली के मंत्रालय, उनसे है कि कभी वो अपने क्षेत्र के अंदर आकर देखें। और श्री वंदना जेटली जी जो शशि जेटली जी की धर्मपत्नी है और वार्ड नंबर 66 से पार्षद भी रही हैं, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि वो अपने MCD की अधिकारियों की टीम लेके इनका दौरा करें और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से भी है कि वो इनका दौरा करें और रेट फिक्स करने का प्रयास करें, ताकि थाना ये अपना MCD वार्ड नंबर 66 की जनता और दिल्ली की जनता अपने आप को सेफ महसूस करें और इस दर्द में ये महसूस करें कि जो वोट देके उन्होंने जनप्रतिनिधि चुने उनको सुनकर कोई उन्होंने गलती नहीं करी है और उनके मन में उनके दुख और दर्द का अनुभव और एहसास रहता है और रेट जल्दी कंट्रोल किए जाएं। इसी के साथ मैं शब्द जय हिंद जय भारत।